कायथा में पूर्व मंडी अध्यक्ष प्रतिनिधि सौदान सिंह सिसोदिया द्वारा कोरोना काल में जन जागरण के माध्यम से इस महामारी से लोगों का जीवन बचाने वाले पत्रकार बंधुओं का स्मृति चिन्ह तथा उपहार भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक श्री सिसोदिया द्वारा कहा गया कि कोरोना महामारी में हम सबका जीवन बचाने वाले पुलिस तथा डॉक्टर का सम्मान पिछली बार हमारे द्वारा किया गया, क्योंकि डॉक्टर हमारे बीमार होने पर हमारी जिंदगी बचाने का कार्य करते हैं। उसी तरह पत्रकार गणों की भी इसमें महती भूमिका है, क्योंकि पत्रकार समाज की वह कड़ी है जो सीधे सीधे लोगों से और समाज के संपर्क में रहते हैं और वह लगातार अपना जीवन दांव पर लगाकर हम सबको इस बीमारी से बचाने में जरूरी जानकारी उपलब्ध कराते हैं, ताकि यह बीमारी किसी को अपनी चपेट में ना ले सके। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर कई बार इस महामारी को लेकर गलत खबरें दिखाई जाती है, जैसे कि लोगों में भय का वातावरण होता है, किंतु पत्रकार बंधुओं द्वारा समय पर सही जानकारी और सही सलाह देकर हम लोगों को इस महामारी से बचाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मार्केटिंग अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह बड़ाल, अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष राम सिंह बड़ाल, विशेष अतिथि करण सिंह गुर्जर आदि थे। जैसा कि आप सबको भी मालूम है कि अभी पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है और उसमें भारत में भी हम देख रहे हैं कि लगातार कोरोना महामारी फैली है और कोरोना योद्धा के रूप में चाहे हमारे पुलिस प्रशासन के लोग हों या हमारे डॉक्टर्स हों, वो कोरोना योद्धा के रूप में उनका भी हमने भी सम्मान किया था। मेरा ऐसा मानना है कि डॉक्टर्स और पुलिस बचाने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन जब आदमी कोरोना की चपेट में आता है तो फिर डॉक्टर उसके प्राण बचाने का काम करते हैं। और ये बीमारी अगर फैलती है तो इसके पीछे मूल कारण होता है कि जानकारी का अभाव, और अगर जानकारी आदमी को सही समय पर सही जानकारी मिले तो ये बीमारी फैलने से काफ़ी हद तक रुकती भी है। और जानकारी अगर देकर इस बीमारी को फैलने से अगर रोका गया है, आदमी के जीवन को उसके घर तक इस बीमारी को जाने से रोका गया है, तो वो जानकारी देने का काम हमारे पत्रकार मित्रों के द्वारा किया जाता है। और अभी हम इस पिछले 2-2.5 महीने से लगातार देख रहे हैं कि हम सब लोग घरों में बैठे थे, चाहे वो घर की माताएं हो बहनें हो, आदमी को घर से बाहर तक नहीं निकलने दे रही थी। उस काल में भी अपने परिवार को छोड़कर अपनी जान हथेली पर लेकर पत्रकार मित्र लगातार मैदान में खड़े रहे और लोगों तक इसके बचाव के उपाय और इसकी जानकारी देते रहे। कई बार हमने देखा कि सोशल मीडिया आज बहुत सक्रिय है, सोशल मीडिया पर गलत खबरें आने से एकदम हड़कंप मचता था, लेकिन आदमी के मन में जिज्ञासा होती थी कि मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या प्रिंट मीडिया में इस खबर को देखूँ। और उस खबर को देखने के बाद हम देखते थे कि कई बार वो सोशल मीडिया की खबरें अफवाह होती थी और उससे जो डर एक आदमी के मन में बैठता था, उस डर से बचाने का काम भी हमारे मीडिया के मित्रों ने लगातार अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाते हुए किया। ऐसे सभी पत्रकार साथियों का आज हम सम्मान करते हुए हम सब पूरी टीम, हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लक्ष्मण सिंह जी बड़ाल, हमारे आज अध्यक्षता जो कार्यक्रम की कर रहे थे राम सिंह जी बड़ाल, करण सिंह जी गुर्जर, हमारे नेता सम्मानी मोहन जी मेहता साहब, आदरणीय चावड़ा जी, भंवर सिंह जी और सभी आसपास के सरपंच साथी और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित होकर पत्रकार मित्रों का आज सम्मान किया। हम सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। कायथा से अर्पित बोढ़ाना की रिपोर्ट।